नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाभिकीय शक्ति संयंत्र और साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट को समझने से पहले हमको रिएक्शन को समझना पड़ेगा। रिएक्शन किसके कारण होते हैं? तो देखिए, अगर रिएक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में भाग लेते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में न्यूक्लियस भाग लेते हैं यानी नाभिक भाग लेते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यही जो है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन यूज होता है। और न्यूक्लियर रिएक्शन अगेन दो प्रकार का होता है, वो होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फीज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है वो हमारा सन में होता है, सूर्य में होता है, और न्यूक्लियर फीज़न है यही जो है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। चलिए, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फीज़न, ये अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फीज़न का रिएक्शन है। इसमें देखिए यूरेनियम 235 यूज किया गया है और इसके इस पे हम स्लो न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो हमको दो छोटे छोटे नाभिक मिलते हैं, बेरियम 141 और क्रिप्टान 92। और इसमें इसके साथ ही साथ हमको बड़ी मात्रा में इनर्जी भी डेवलप होती है और साथ ही साथ तीन न्यूट्रॉन डेवलप होते हैं। इसी तीन न्यूट्रॉन जो ये डेवलप हुए हैं इन्हीं को हम कंट्रोल करके कंट्रोल न्यूक्लियर फीज़न रिएक्शन हम कर लेते हैं। और इस प्रकार जो है पूरा जो न्यूक्लियर फीज़न है वो कंट्रोल्ड रिएक्शन के फॉर्म में हो जाता है और हमारा जो इनर्जी इसमें जो डेवलप हुआ है वो हम इससे हम स्टीम को गर्म करते हैं और स्टीम से टरबाइन पे देते हैं और इस प्रकार जो है जनरेटर की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिमिलर टू थर्मल आर स्टीम पावर प्लांट। द ओनली डिफरेंस इज दैट द बॉयलर ऑफ स्टीम पावर प्लांट इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए, स्टीम पावर प्लांट जो है थर्मल और स्टीम पावर प्लांट के जैसा ही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है थर्मल या स्टीम पावर प्लांट के समान ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो स्टीम पावर प्लांट का जो बॉयलर है वो इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट यूटिलाइज न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाई द न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर द जनरेशन ऑफ द स्टीम। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो न्यूक्लियर इनर्जी को यूज करता है जो न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और जो स्टीम को जनरेट करने के लिए। द हीट इज प्रोड्यूस्ड बाई द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ द एटम्स of fissionable material and it is utilized in the special heat exchanger for the production of the steam। और ये जो heat energy जो develop हुआ है, produced हुआ है nuclear fission के द्वारा, ये जो है special heat exchanger जो है में भेजा जाता है और ये जो है steam को produce करता है। द कॉमनली यूज न्यूक्लियर फ्यूल्स आर अनस्टेबल एटम्स लाइक यूरेनियम 235, थोरियम 232 एंड आर्टिफिशियल एलिमेंट प्लूटोनियम 239। जो कॉमनली जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो अनस्टेबल एटम्स होते हैं, जैसे यूरेनियम 235 है, थोरियम 232 और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स प्लूटोनियम 239 है। द अनस्टेबल एटम्स लिबरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इनर्जी। ठीक है, जो ये अनस्टेबल एटम्स हैं ये बहुत ही अधिक मात्रा में हीट इनर्जी को लिबरेट करते हैं, छोड़ते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। द इनर्जी रिलीज्ड बाय द कंप्लीट फ्यूजन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम 235 इज इक्वल टू द हीट इनर्जी ऑब्टेंड बाय बर्निंग 4500 टन्स ऑफ कोल आर 2200 टन्स ऑफ ऑयल। ये जो इनर्जी रिलीज करते हैं 1 kg यूरेनियम 235 से जितनी इनर्जी हम डेवलप कर सकते हैं वो हमारा जो है उसके बराबर हो सकता है 4500 टन
कोल को हम जितना जलाएंगे और जितना 2200 टन ऑयल को हम जलाएंगे, ठीक है, उतना हमको एनर्जी जो है 1 किलो यूरेनियम से हम प्राप्त कर सकते हैं। बट देयर आर सम लिमिटेशन इन द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इस न्यूक्लियर एनर्जी का सम कुछ लिमिटेशंस है, लाइक हाई कॉस्ट ऑफ प्लांट सेटअप। और इस प्लांट को सेटअप करने के लिए जो है कॉस्ट जो है वो बहुत हाई होता है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो बहुत कम होती है, क्योंकि जिसमें जो है यूरेनियम 235 यूज होता है और हमारा जो है यूरेनियम 238 जो है वही हम नेचुरल में मिलता है, नेचर में हमारे वही मिलता है। और इसको उसमें जो है यूरेनियम 235 की मात्रा जो है 0.5% होती है। अगर हम फिर उसके बाद इस जो यूरेनियम 238 है उसमें जो है लैब में हम जो है प्यूरीफाई करके उसमें यूरेनियम 235 की मात्रा को जो है हम बढ़ाते हैं, लगभग जब 1 से 3% तक हो जाता है तब हम उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं। प्रॉब्लम विथ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड हाईली स्किल्ड ऑपरेटर। इसमें जो है न्यूक्लियर वेस्ट जो है ये इसका प्रॉब्लम होता है, इसको कहाँ हम छोड़ नहीं सकते हैं न्यूक्लियर वेस्ट को, इसको हमको प्रॉपर इसको डंप करना पड़ता है। और ये जो है समुद्र के पानी में ही इसको हम डाल सकते हैं और कहीं नहीं डाल सकते हैं। और इसमें जो है इस पावर प्लांट में जो है हाईली स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। ड्यू टू दीज रीजन्स, इन रीजन्स के कारण न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर स्टिल डेवलपिंग इन इंडिया, अभी भी इंडिया में डेवलप हो रहे हैं। ओनली 1-3% इनर्जी रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाई न्यूक्लियर पावर प्लांट इन कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया में जो है 1-3% ही इनर्जी जितना हम डेवलप करते हैं उसका 1-3% ही जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम लेते हैं। वेयर एज इन फ्रांस अबाउट 30% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट इज जनरेटेड बाई न्यूक्लियर मैथड, ले जबकि फ्रांस में जो है उसके पूरे एनर्जी का 30% जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से डेवलप होता है। द जनरल लेआउट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सोन इन द फिगर, ठीक है, जनरल लेआउट जो है चित्र में प्रदर्शित है, आप देख सकते हैं। अब देख लेते हैं ब्रीफ में इसका वर्किंग। तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है यूरेनियम की जो है पतली पतली छड़ होती हैं, और इस न्यूक्लियर यूरेनियम की जो रॉड होती है इसकी रॉड की सब जो वेट होता है ये कम से कम 14.5 किलो होना चाहिए, तभी हम न्यूक्लियर रिएक्टर में उसको यूज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उससे जो एनर्जी जो डेवलप होती है वो प्रेशराइज्ड जो हीटेड कूलेंट है उसके माध्यम से हीट एक्सचेंजर में जाती है, और यहाँ से जो है हम वाटर को जो है गर्म करते हैं, और वो जो वाटर है उससे स्टीम प्रोड्यूस होता है, और उस स्टीम से स्टीम टर्बाइन को हम टरबाइन को घुमाते हैं, तो उससे मैकेनिकल एनर्जी डेवलप होता है, और ये मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को देते हैं जिससे वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यही इसका पूरा वर्किंग है। और इसमें जो है ये स्टीम से जो निकला हुआ स्टीम बची हुई है इसको कंडेंसर की सहायता से कंडेंस कर लेते हैं, और फिर जो है वही फीड पंप में जाता है, और इसके और फीड पंप में जो भी वाटर बचा हुआ है अब इस वाटर को हीट करते हैं, फिर वो हीट एक्सचेंजर में जाता है, और फिर बची हुई जो है ही कूलेंट है वो कूलेंट पंप की सहायता से फिर से न्यूक्लियर रिएक्टर में चला जाता है। यही जो है ब्रीफ में इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट का वर्किंग है। अब देखते हैं इनका फंक्शंस क्या होता है। इसमें जो एलिमेंट्स लगे होते हैं वेरियस एलिमेंट्स, द फंक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इज एज फॉलोस। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है। इन द न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर इनर्जी इज प्रोड्यूस्ड
न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय द न्यूक्लियर फिजन ऑफ अनस्टेबल एटम्स लाइक यूरेनियम। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फिजन से प्रोड्यूस होती है अनस्टेबल एटम्स लाइक यूरेनियम, यूरेनियम के जैसे। यूरेनियम इज इन द फॉर्म ऑफ थिन रॉड्स आर प्लेट। ये जो यूरेनियम होते हैं ये पतले पतले रॉड या प्लेट्स के रूप में होते हैं। दिस इनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू दी सर्कुलेटिंग कूलेंट। और ये जो इनर्जी है वो सर्कुलेटिंग कूलेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। हीट एक्सचेंजर, द हीट एक्सचेंजर विल एक्ट एज ए बॉयलर फॉर द पावर प्लांट। हीट एक्सचेंजर जो है वो बॉयलर के रूप में कार्य करता है पावर प्लांट के लिए। द हीट ऑब्जर्व बाई द कूलेंट इन द रिएक्टर इज ट्रांसफर टू द वाटर एंड द स्टीम इज जेनरेटेड। और ये जो है हीट जो है कूलेंट के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है रिएक्टर में, और ये जो फिर इसको वाटर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एंड स्टीम जो है इससे जेनरेट किया जाता है। जनरली यू ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड। ये जो हीट एक्सचेंजर है वो यू ट्यूब टाइप होता है। द कॉमनली यूज्ड कूलेंट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, लिक्विड मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। जो सामान्यतः जो कूलेंट्स यूज होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और लिक्विड मेटल्स जैसे सोडियम और पोटेशियम। स्टीम टर्बाइंस, इट कन्वर्ट्स हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम सप्लाइड बाय द हीट एक्सचेंजर इनटू सॉफ्ट वर्क एंड लो टेम्परेचर स्टीम इज एग्जॉस्टेड टू अ कंडेंसर। ये जो स्टीम जो है स्टीम टर्बाइन जो है ये हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम को जो है जो हीट एक्सचेंजर के द्वारा सप्लाई किया गया है उसको शाफ्ट टर्बाइन के शाफ्ट वर्क के लिए भेजता है और वहाँ मैकेनिकल पावर डेवलप होता है। और जो लो टेम्परेचर स्टीम है वो कंडेंसर के द्वारा एग्जास्ट कर लिया जाता है। जेनरेटर, द मैकेनिकल इनर्जी ऑफ स्टीम टर्बाइन, जो स्टीम टर्बाइन का मैकेनिकल इनर्जी है इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल इनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, जनरेटर की सहायता से। कंडेंसर, स्टीम एग्जॉस्टेड फ्रॉम स्टीम टर्बाइन इज कलेक्टेड इन द कंडेंसर। जो भी स्टीम टर्बाइन से जो स्टीम जो है एग्जॉस्ट किया गया है वो कंडेंसर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है एंड कंडेंस्ड बाय यूजिंग रीसर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर। और इसको रीसर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर की सहायता से कंडेंस किया जाता है। फीड पंप, द कलेक्टेड अमाउंट ऑफ कंडेंसेट इज अगेन फेड बैक टू द हीट एक्सचेंजर विद द हेल्प ऑफ फीड पंप। और ये जो कंडेंसेट किया गया है स्टीम है वाटर है अब इसको जो है फिर से हीट एक्सचेंजर के सहायता से फीड पंप की सहायता से हीट एक्सचेंजर में भेजा जाता है। फीड वाटर हीटर, द वाटर पम्प्ड फ्रॉम द फीड पम्प इज इनिशियली हीटेड इन द फीड वाटर हीटर एंड देन सप्लाइड टू द हीट एक्सचेंजर। और ये जो वाटर है पम्प्ड है, द वाटर पम्प्ड फ्रॉम द फीड पम्प इज इनिशियली हीटेड इन द फीड वाटर हीटर। जो ये वाटर है वो पहले फीड पम्प में ठीक है हीट किया जाता है, ठीक है ही फीड वाटर हीटर में एंड देन फिर उसको हीट एक्सचेंजर में सप्लाई किया जाता है। कूलेंट पंप, द कूलिंग आफ्टर ट्रांसफरिंग द हीट इन द हीट एक्सचेंजर इज अगेन फेड बैक टू द न्यूक्लियर रिएक्टर विद द हेल्प ऑफ कूलेंट पंप। कूलेंट जो है हीट एक्सचेंजर में हीट को ट्रांसफ़र करने के बाद फिर से जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट पंप की सहायता से भेज दिया जाता है। अब देख लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो द कॉस्ट ऑफ जेनरेटेड पावर इज लेस देन द थर्मल पावर प्लांट, ठीक है इसमें जो कॉस्ट होती है पावर जेनरेशन की वो सबसे
कम होती है। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल वातावरण को पॉल्यूशन करने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन एंड माइन सेफ्टी एक्सेट्रा। न्यूक्लियर पावर प्लांट डज नॉट रिक्वायर फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, कोक, नेचुरल गैस विच कैन बी यूज्ड अदर एरियाज। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो है कोई भी फॉसिल फ्यूल्स जो है जैसे कोयला, कोक, नेचुरल गैस ये सब नहीं यूज किया जाता है, जैसा कि उसमें यूज किया जाता है आपके थर्मल पावर प्लांट्स में जो है कोल यूज किया जाता है, लिग्नाइट कोल ये यूज किया जाता है। लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू स्टीम पावर प्लांट। इसमें जो हमारा स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है वो स्टीम पावर प्लांट से कम होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड बाई बर्निंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल। इसमें जो है कम जो है फ्यूल का कम अमाउंट ही का यूज करके ही हम उसको ही जला कर बर्न करके ही हम बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं। आपने देखा होगा पहले ही 1 किलो यूरेनियम से कितना हम जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्या क्या हानियां हैं। इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांट सेटअप इज हाई, इसका जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत हाई होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल्स आर नॉट ईजिली अवेलेबल, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल हैं ये आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। देयर इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिएक्टिव वेस्ट, इसमें जो डेवलप हुआ है रिएक्टिव वेस्ट जो है उसको जो है प्रॉपर उसका जो है डिस्पोजल यानी उसको डंप करने में समस्या होती है, क्योंकि वो हर जगह हम किसी मिट्टी में दबा नहीं सकते हैं, उसको प्रॉपर उसकी डंपिंग की जाती है वो भी समुद्र में। तो ये ऐसे इसलिए ही ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं वो समुद्र के आसपास ही बनाए जाते हैं। फॉर द ऑपरेशन ऑफ पावर प्लांट हाईली स्किल्ड ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड, इसके ऑपरेशन के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑपरेशन के लिए हाईली स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें आप जानते ही हैं कि उसमें न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है। अगर ये न्यूट्रॉन जो है कंट्रोल नहीं हो पाएंगे तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट की जगह वो न्यूक्लियर बम बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल इज आल्सो हाई, इसका जो कॉस्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल्स का वो भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत महंगा मिलता है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन न्यूक्लियर रेडिएशन आर प्रोड्यूस्ड, हेंस हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी इज रिक्वायर्ड फॉर दी ऑपरेटर्स। इसमें जो है ऑपरेशन के दौरान जो है न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा जो है रेडिएशन निकलता है, जिससे वहाँ के जो काम कर रहे हैं ऑपरेटर हैं उनकी सेफ्टी के लिए ठीक है बहुत ही सेफ्टी की आवश्यकता होती है। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए, डैश इनर्जी इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द सन, सन से कौन सी इनर्जी जो है डिराइव्ड नहीं की जा सकती है। तो देखिए, न्यूक्लियर इनर्जी जो है वो सन से डेवलप नहीं की जा सकती है, तो इसका आंसर है सी। सोर्स ऑफ इनर्जी ऑफ द सन इज न्यूक्लियर फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन, पीवी इफेक्ट। तो देखिए, सन की जो इनर्जी है उसका सोर्स क्या है, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। सोर्स ऑफ इनर्जी एट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन, पीवी इफेक्ट। तो सोर्स जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या यूज होता है, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूक्लियर फिजन। द फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कैडमियम, यूरेनियम, ब्रोमियम, हीलियम। तो यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूरेनियम।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।